आज मैं सैंडविच बनाने जा रही हूँ सिर्फ दो चीजों से। वो दो चीज ऐसी है जो हर घर में मिलती हैं। उसमें मैं आपको बताती हूँ, जो सबसे पहली चीज है ये प्याज, ये तो हर घर में होता है। और दूसरा ये दूध, ये भी हर घर में होता है। क्या हुआ, मक्खन नहीं है हमारे पास, तो दूध तो है ना, दूध से बनाते हैं आज हम सैंडविच। मैं बताती हूँ आपको कि दूध से कैसे बनाना है। ये ले ली मैंने छन्नी, और इससे मैं निकाल लूंगी दूध की मलाई। ये मैं डाल दी इस कटोरे में। मक्खन से भी ज्यादा टेस्टी सैंडविच बनेंगी मलाई से। ये मैंने जो पतीले में फ्रेश दूध था इसकी मलाई निकाल ली, और ये थोड़ी मेरे पास जो पहले दूध गर्म किया था उसकी मलाई बची थी। इसमें दूध और मलाई दोनों है, तो ये हम दोनों डाल देंगे। और प्याज तो इसमें डलेगा ही, अभी मौसम चेंज हो गया। अगर आपके पास देखिए ये हरा प्याज है तो आप ये भी डाल सकते हैं, और मैंने ले लिया ये हरा प्याज और हरी मिर्च। और ये मैंने तीनों काट लिए, हरा प्याज काट लिया, हरी मिर्च और ये प्याज। अब मैं इसमें डाल देती हूँ ये। और इसमें मैं डाल दूंगी स्वाद अनुसार नमक, और थोड़ी सी मैं इसमें ये कुटी हुई मिर्च भी डाल दूंगी। अगर आपको ज्यादा तीखा नहीं खाना है तो आप लाल मिर्च मत डालिए। और थोड़ा सा फ्लेवर के लिए डाल दूंगी मैं थोड़ा सा इसमें गरम मसाला। अभी हम इसको कर लेते हैं अच्छे से मिक्स। सैंडविच के लिए हमारा मिक्स हो गया एकदम तैयार। देखो देखने में कितना अच्छा लग रहा है। अभी मैं ले लेती हूँ ब्रेड, या अगर आप चाहते हैं तो इसके किनारे काटिए, नहीं तो रहने भी दीजिए, ये तब अच्छे लगते हैं। मैं इसके किनारे काट लेती हूँ, किनारे भी वेस्ट नहीं जाते हैं, ये भी काम आ जाते हैं। देखिए मैंने इस तरह से ये काट लिए, और अभी मैं बना लेती हूँ इसमें। जी हम थोड़ा थोड़ा लेके मिक्सर इसमें पूरा लगा लेंगे। ये हमने लगा लिया, और इसके ऊपर हम रख देंगे ये दूसरा ब्रेड। इसी तरह मैं और भी बना लेती हूँ। ये हमने तवा रख दिया, और तवा हो गया हमारा गरम। इसमें मैं लगा देती हूँ घी। फिर रख देती हूँ मैं ये सैंडविच। अभी थोड़ा घी मैं ऊपर लगा देती हूँ। अगर हमारे पास टोस्टर नहीं है जिसमें टोस्टर तैयार होते हैं, तो तवे पे भी बहुत अच्छी सैंडविच बन जाती है। देखिए इतना अच्छा कलर आया ना इसका। इसी तरह मैं इसको दूसरी तरफ से भी पका लूंगी। अभी मैं इसको निकाल लेती हूँ प्लेट में। ये देखिए हमारी दूसरी तरफ से भी ये कितनी अच्छी पक गई है। इसी तरह मैं अभी और बाकी सैंडविच भी बना लेती हूँ। ये हो गए हमारे गर्मा गर्म सैंडविच तैयार। देख ले एकदम अच्छे बने हैं, कुरकुरे भी हैं, दोनों साइड से बराबर पके हुए हैं। बिल्कुल कम सामान से हमने बना लिए इतने टेस्टी सैंडविच। आप भी बनाइए और मजे से खाइए। चाहे तो चाय के साथ खाइए, नहीं तो सॉस ले लीजिए, चटनी ले लीजिए, कुछ भी लीजिए, उसके साथ मजे से ये खाइए। अगर रेसिपी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट करें, और अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें।